देश में चुनाव चल रहा है। अब तक पहले चरण के तहत कई राज्यों में वोटिंग भी हो चुकी है। वहीं अपनी जीत का डंका बजाने के लिए हर दल के नेता पूरी जोर आजमाइश भी कर रहे हैं। वोटर्स को लुभाने के लिए राजनेता एक दूसरे पर वार पलटवार करने से पीछे नहीं हट रहे। वहीं इसी बीच पीएम मोदी के मंगलसूत्र वाले बयान को लेकर कांग्रेस हमलावर हो गई है। कांग्रेस ने पीएम मोदी पर जनता को गुमराह करने और झूठ बोलने का आरोप लगाया है। इस मुद्दे पर पार्टी ने चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज कराई और सख्त कार्रवाई की अपील की है। चुनाव आयोग की ओर से लागू आदर्श आचार संहिता के मुताबिक चुनाव प्रचार के दौरान ना तो धार्मिक प्रतीकों का इस्तेमाल किया जा सकता है, ना ही धर्म, संप्रदाय और जाति के आधार पर वोट देने की अपील की जा सकती है। इसके अलावा किसी भी धार्मिक अथवा जातीय समुदाय के खिलाफ नफरत फैलाने वाले भाषण देने या नारे लगाने पर भी रोक है, जिसके आधार पर कांग्रेस पार्टी शिकायत लेकर चुनाव आयोग की चौखट पर पहुंच गई है। ऐसे माहौल में बाला साहेब का नाम भी बार बार सुनाई पड़ रहा है। जब करीब ढाई दशक पहले भड़काऊ चुनावी भाषण को लेकर बाल ठाकरे पर चुनाव लड़ने और वोट देने पर पाबंदी लगा दी गई थी, ये मामला करीब 32 साल पहले का है। शिवसेना और बीजेपी पहली बार साथ में चुनाव लड़ रहे थे। इस उपचुनाव में शिवसेना उम्मीदवार ने जीत दर्ज की थी। वहीं इस नतीजे के खिलाफ कांग्रेस उम्मीदवार ने बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी कि बाला साहेब और शिवसेना के उम्मीदवार ने धर्म के नाम पर प्रचार किया और मतदाताओं की भावनाएं भड़काईं। 1991 में मुंबई हाईकोर्ट ने बाला साहेब और रमेश प्रभु को इस मामले में दोषी करार दिया। साथ ही चुनाव आयोग को आदेश दिया कि बाला साहेब और रमेश प्रभु का मतदान का अधिकार 6 साल के लिए छीन लिया जाए और उनके चुनाव लड़ने पर भी 6 साल के लिए पाबंदी लगे। कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए नफरत और डर की राजनीति करने के मामले में दोषी पाए गए बाला साहेब पर चुनाव आयोग ने 6 साल का बैन लगा दिया। हालांकि आगे चलकर 2005 में इस बैन को खत्म कर दिया गया। बैन के खत्म होने के बाद बाल ठाकरे ने पहली बार 2006 में बीएमसी के चुनाव में वोट डाला। बाला साहेब के खिलाफ मुंबई हाईकोर्ट में याचिका दाखिल हुई थी। धर्म के नाम पर प्रचार और मतदाताओं की भावनाएं भड़काने का आरोप था। 1991 में बाबा साहेब और शिवसेना के उम्मीदवार रमेश प्रभु दोषी पाए गए। चुनाव आयोग ने वोट करने और चुनाव लड़ने के अधिकार पर रोक लगाई। 6 साल तक बाला साहेब पर चुनाव आयोग की पाबंदी लागू रही। वहीं अगर देश और राज्यों की राजनीति के पीले पड़ चुके पन्नों को और पलट कर देखें तो बाल ठाकरे के बाद एक और नाम याद आता है, वो है समाजवादी पार्टी के कद्दावर और बड़ बोले नेता आजम खान का। आजम खान को भी कभी इस मुसीबत से गुजरना पड़ा था। चुनाव आयोग ने उनके चुनाव लड़ने पर पाबंदी लगा दी थी। एक वक्त था जब आजम की बात काटने की हिम्मत किसी में नहीं थी, लेकिन वक्त ने करवट ली और आजम खान अपना वोट देने तक का हक छिनवा बैठे। चुनाव आयोग की सख्ती ने उनकी बदजुबानियों को आईना दिखाया तो आजम खान से उनका मत अधिकार छीन लिया गया। बात आजम खान से उनका मत अधिकार छीन लिए जाने की हो, उससे पहले चर्चा इस बात की भी जरूरी है कि रामपुर की MP MLA कोर्ट ने आजम खान को हेट स्पीच के मामले में मुजरिम करार दिया गया। कोर्ट ने उन्हें उस मामले में 3 साल की सजा भी मुकर्रर की थी, जिसके चलते उनकी विधायकी छिन गई और बाकी जो थोड़ी बहुत रही सही कसर बची थी वो रामपुर के ही आकाश सक्सेना की शिकायत पर संज्ञान लेकर चुनाव आयोग ने पूरी कर दी। लोक प्रतिनिधि कानून की एक धारा है 16। चुनाव आयोग ने इस धारा 16 के तहत विशेष अधिकारों का इस्तेमाल किया और इतना सख्त कदम उठाया जिसके तहत अगर किसी MP या MLA की सदस्यता रद्द हो जाती है तो उसका नाम मतदाता सूची से ही काट दिया जाता है। 2019 में आजम खान ने योगी आदित्यनाथ के खिलाफ भड़काऊ बयान दिया। इस मामले में रामपुर में केस दर्ज किया गया था। MP MLA कोर्ट ने आजम खान को हेट स्पीच के मामले में दोषी पाया। 3 साल कैद और 2,000 रुपए के जुर्माने को आजम खान पे लगाया गया। MP या MLA दोषी साबित होता है तो उसकी सदस्यता रद्द हो जाती है। लोक प्रतिनिधि अधिनियम की धारा 16 के तहत उनका वोट देने का अधिकार भी छीना जा सकता है। इसकी धारा 16(2) के तहत सदस्यता रद्द होने पर वोटर लिस्ट से नाम कट जाता है। आजम को लोक प्रतिनिधि अधिनियम की धारा 125 के तहत भी दोषी ठहराया गया था। लोक प्रतिनिधि कानून के तहत अगर व्यक्ति दोषी है तो 6 साल तक वोट नहीं दे सकता।
देश में चुनाव आयोग की भूमिका हमेशा दमदार रही है। लोगों का भरोसा चुनाव आयोग पर कायम रहे, इसके लिए किसी भी तरह की कोताही नहीं बरती जाती। चुनाव आयोग को जब भी शिकायतें मिलती हैं तो उसका संज्ञान लिया जाता है, और अगर शिकायत सच पाई जाती है तो कठोर कार्रवाई भी की जाती है। यह हम आपको दो एग्जाम्पल्स देकर बता चुके हैं कि कैसे चुनाव आयोग अपनी सख्ती से कई बार मिसाल भी कायम कर चुका है। नमस्कार। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।